नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। टेलीविजन के शोज में सभी को बेहद इंटरेस्ट आता है और इसके शोज काफी पसंद किए जाते हैं। आइए आपको बताते हैं टीवी के उन शोज के बारे में जो आपके फेवरेट रहे हैं, उसमें कुछ स्पेशल एंट्रीज हो रही हैं। बेपनाह, बेपनाह में आपको दिखेंगे अपूर्व अग्निहोत्री। कलर्स टीवी के शो बेपनाह में जेनिफर विंकेट और हर्षद चोपड़ा की जोड़ी को बेहद पसंद किया जा रहा है। ट्विस्ट बनाए रखने के लिए शो में अपूर्व अग्निहोत्री की भी एंट्री कराई गई है, जो नेगेटिव किरदार में नजर आ रहे हैं। अपूर्व के आ जाने से इसका मजा और भी बढ़ गया है। सीरियल की कहानी एक ऐसे कपल की है जिसे प्यार में धोखा मिलता है, लेकिन ये धोखा ही इन दोनों को नजदीक ले आता है। मिशाल रहेजा की एंट्री कुंडली भाग्य में। जी टीवी के सबसे नंबर वन शो कुंडली भाग्य में इन दिनों मजेदार कहानी चल रही है। सीरियल में लंबा गैप दिखाया गया था, जिसके बाद शो में पॉपुलर एक्टर मिशाल रहेजा की एंट्री करवाई गई। ये एक नया किरदार है जो अभी की तरह ही रॉकस्टार है और वो अभी को कड़ी टक्कर दे रहा है। सीरियल में श्रीति झा मिशाल की वाइफ बनी है, लेकिन ये ट्विस्ट बस कुछ समय के लिए है। असली कहानी सामने आने के बाद अभी प्रज्ञा वापस एक हो जाएंगे। टीना दत्ता, कर्मफलदाता शनि। कर्मफलदाता शनि में टीना दत्ता को लंबे समय बाद टीवी पर वापस देखा था। टीना इस शो में शनि की पत्नी के रूप में है। शो के बीच में उनकी इस एंट्री से कोई खास फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन टीना को वापस सीरियल में देखकर उनके फैंस जरूर खुश हो गए होंगे। टीना पॉपुलर शो उतरन में इच्छा का लीड रोल निभा चुकी है, इसे दर्शकों ने बहुत प्यार किया था। आम्रपाली गुप्ता नागिन 3। एकता कपूर का पॉपुलर शो नागिन 3 ऑडियंस को शायद कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। इस शो में अनीता हंस नंदानी और करिश्मा तन्ना लीड नागिन के रूप में नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरभि ज्योति भी नागिन के अवतार में है। तीन नागिन होने के बाद भी ये शो वो जादू नहीं चला पा रहा है जो इसके पिछले दोनों सीजन में चलाया था। अब बताया जा रहा है कि नेगेटिव रोल के लिए शो में कबूल है कि आम्रपाली गुप्ता को लाया जा रहा है। अगर ये शो में आई तो मजा दोगुना हो जाएगा। मिनीषा लांबा तेनालीरामा। कुछ समय पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनीषा लांबा को सब टीवी के शो तेनालीरामा में एक रानी के रूप में देखा गया था। मिनीषा वही हैं जो फिल्म बचना है हसीनों में रणबीर की हीरोइन रह चुकी हैं। इस शो में साइड रोल करती नजर आ रही हैं। तेनाली सब टीवी का पॉपुलर शो है, बच्चों को तो ये बेहद पसंद आता है। पारुल चौहान, ये रिश्ता क्या कहलाता है। पुराने स्टार्स के चले जाने के बाद शो में नए कैरेक्टर के साथ नया ट्विस्ट लाया गया, और इस शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जब पारुल चौहान को बड़े बड़े बच्चों की माँ के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। पारुल वही हैं जिन्हें हमने सीरियल विदाई में रागिनी के कैरेक्टर में देखा था। उस शो के बाद तो जैसे पारुल गायब ही हो गई थी, लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है में इनकी वापसी से काफी लोग खुश हैं। वैसे इसके पहले भी कई एंट्रीज हो चुकी हैं। नेहा पेंडसे पार्टनर्स। नेहा पेंडसे को सब टीवी के शो पार्टनर्स में लाया गया। पार्टनर्स में विपुल रॉय, जॉनी लीवर और किकू शारदा लीड रोल में हैं। ये कॉमेडी शो है जिसमें पुलिस ऑफिसर बने ये एक्टर्स केस सुलझाते हैं। नेहा भी इन्हीं के साथ हैं। निया शर्मा इश्क में मर जावा। निया शर्मा जल्द ही शो इश्क में मर जावा में नजर आने वाली है। शो में उनका रोल क्या होगा इस बारे में कहना मुश्किल है। वैसे निया जहां भी जाती है उस शो की टीआरपी अपने आप बढ़ जाती है। इस शो में कुछ ऐसा ही होने वाला है। यश गेरा जिंदगी की महक। जी टीवी के शो जिंदगी की महक को काफी पसंद जा रहा है। लीड एक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री ऑडियंस को बेहद पसंद आ रही है। अब इस शो में यश गेरा की भी एंट्री होने वाली है। यश गेरा वही हैं जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के भाई का किरदार निभा चुके हैं। यश वैसे इस शो में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, अब उम्मीद की जा रही है कि अपने वो इस नए शो में कुछ नया करेंगे। तो ये है वो स्टार्स जिन्होंने इस शो में लगाया चार चांद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।